बार निर्माण का रियल हीरो मुथूट फाइनेंस इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनके खिलाफ मुड़ा मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये मामला कर्नाटक के मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी मुड़ा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की विरासत अब भी जारी है। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हेराल्ड से लेकर मुड़ा घोटाले तक इसका जीता जागता प्रमाण है। कर्नाटक में सियासी हलचल बीते कई दिनों से लगातार तेज है। कर्नाटक के राज्यपाल द्वारा कथित मुड़ा घोटाले में सीएम सिद्धारमैया पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस जहां केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा सीएम पर हमलावर है और उनसे इस्तीफे की मांग कर रही है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन सरकार और उसके नेता संविधान का अपमान कर रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आरोपों की प्रकृति बहुत गंभीर है, ऐसे में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीएम को पद से इस्तीफा देना चाहिए। आज मैं धन्यवाद देता हूं इस प्रणाली को, इस प्रक्रिया को, कि जिसने घोटाला किया है उसे आज प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उसके खिलाफ आज केस चलेगा। फेसिंग रिगार्डिंग द मुड़ा स्कैम द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज विल नाउ हैव टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड नीडलेस टू से वन कैन नॉट एक्सपेक्ट द चीफ मिनिस्टर टू कंटिन्यू इन ऑफिस व्हाइल एजेंसीज दैट रिपोर्ट टू हिम आर इन्वेस्टिगेटिंग द एलिगेशंस एंड चार्जेस मेड अगेंस्ट। वहीं भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार शायद इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार है। लूट और झूठ को उन्होंने अपना प्राथमिक एजेंडा बना लिया है। कांग्रेस पार्टी जो कर्नाटका में जब से आई है तब से इस प्रकार की लूट मचा रखी है कि कभी मुड़ा स्कैम तो कभी वाल्मीकि स्कैम। अब वाल्मीकि स्कैम में भी 180 करोड़ की लूट मचाई है। वहां पे एक अफसर ने आत्महत्या की है और वो अफसर ने आत्महत्या करते वक्त मंत्री का नाम भी लिया है। और कांग्रेस की सरकार इतनी बेशरम है, इतनी निर्लज है कि उन्होंने कहा कि स्कैम तो हुआ है पर ये 180 करोड़ का नहीं, ये 90 करोड़ का स्कैम है, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में स्वीकारा है। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्यपाल का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है, हम इसे कानूनी रूप से चुनौती देंगे। द एंटायर कैबिनेट इज विद मी, द गवर्नमेंट इज विद मी, ऑल एमएलएस आर विद मी, all Congress MLAs are with me, MLCs are with me, all Lok Sabha, Rajya Sabha members are with me। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये मुड्डा मामला है क्या। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण का काम मैसूर में शहरी विकास को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विकास करना और लोगों को किफायती कीमत पर आवास उपलब्ध कराना है। मुड्डा ने साल 2009 में शहरी विकास के चलते अपनी जमीन खोने वाले लोगों के लिए एक योजना 50-50 पेश की थी। इस योजना के तहत जिन लोगों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन्हें मुड्डा द्वारा विकसित भूमि की 50-50 ये प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। हालांकि साल 2020 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। हालांकि योजना बंद होने के बाद भी मुड्डा ने 50-50 योजना को जारी रखा और इसके तहत जमीनों का अधिग्रहण और आवंटन जारी रखा। दरअसल मुड्डा कर्नाटक की राज्य स्तरीय विकास एजेंसी है। इस एजेंसी का काम शहरी विकास को बढ़ावा देना है, इसके साथ ही लोगों को किफायती कीमत पर घर उपलब्ध कराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरे मामले के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार जारी है। नेशनल हेराल्ड से लेकर कर्नाटक के मुड़ा घोटाले तक कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार का इतिहास जग जाहिर है। बार बार उन्होंने निजी लाभ के लिए लोगों के भरोसे को तोड़ा है। इस फैसले को असंवैधानिक कहने के बजाय कांग्रेस को अपने कामों पर विचार करना चाहिए।
कांग्रेस खुद को दलितों और अल्पसंख्यकों का संरक्षक बताती है, जबकि उनके अपने ही एक मुख्यमंत्री दलित परिवार से जमीन हड़पने में शामिल हैं। ये कांग्रेस के पाखंड और परिवार केंद्रित राजनीति का एक और उदाहरण है। तो ये क्या है सारा मामला, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो हमारा आज का विशेष हम आपको दिखाने वाले हैं, क्या है हमारा आज का विशेष, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारा जो आज का विशेष है वो है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ, किस तरह से उनकी बड़ी मुश्किलें, ये सारा क्या मामला है, इस पर चर्चा करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान, दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एस ए हेमंत कुमार जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हेमंत जी। और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान, जाना पहचाना चेहरा, आर राजगोपालन जी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत राजगोपालन सर, आप ही से। आप तो कर्नाटक की पॉलिटिक्स को बहुत ही करीब से जानते हैं, समझते हैं, उस पर बहुत कुछ लिखते हैं। ये जो